जैसे यह कविता है मेरे सहचर मेरे मित्र, यहां कविता में आता है यह भीतर की जिंदगी नहाती रहती है दिए गए विक्षोभ के खूनी फव्वारों में, अंगारों में इस दिल के भरे रिवॉल्वर में बेचैनी जोर मारती है। खूनी फव्वारा, अंगारा, रिवॉल्वर, बेचैनी, उसी तरह से जो दिमागी गुहांतका का औरांग उटांग है, मस्तिष्क के भीतर एक मस्तिष्क, उसके भीतर भी एक और कक्ष, और कक्ष के भीतर एक और गुप्त प्रकोष्ठ में संदूक के भीतर कोई बंद है। आप अंधेरे कविता को याद कीजिए, आपको रेफरेंसेस समझ में आएंगे। लकड़ी का बना रावण, कुहरीले भाव भरे चेहरे, अशंक व उग्र बढ़ रहे हैं। इसमें जिस तरह से असंख्य चेहरे बढ़ रहे हैं, आप जुलूस का जो है, जो रात वाली जो मृत्यु दल की, आप उससे जोड़ के देखिए, एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन, आत्म विस्तार यह बेकार नहीं जाएगा, जमीन में गड़े हुए देहों की खाक से, शरीर की मिट्टी से, धूल से खिलेंगे गुलाबी फूल। फूलों का जिक्र कई कविताओं में आता है, मुझे याद आते हैं, ये मैं प्रकाश सा होता है, नहा उठता मैं भव्य स्फूर्ति से, असह सा स्वयं बोध, विश्व चेतस सा कुछ नव शक्ति देता है। फिर अंधेरे में वो याद कीजिए, विश्व चेतस, एक स्वप्न कथा में देखिए, जुलूस में अनेक मुख, नेता और विक्रेता, अफसर और कलाकार, अनगिन चरित्र, पर चरित्र कहीं नहीं, पर कहीं चरितव्य कहीं नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं स्वप्न कथा की, और इसमें आपको दिखाई दे रहा है वही जुलूस जो अंधेरे में कविता का है। मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे पुकारती हुई पुकार, खो गई सवारती हुई मुझे, उठी साहस प्रेरणा, प्रभात भैरवी जगी अभी अभी। इस भैरवी की बात है, उसी तरह का एक उजाला भी है, रात के बाद के कुछ बिंब भी है, एक अरूप शून्य के प्रति, स्वर्ग के पुल पर चुंगी के नोकदार, भ्रष्टाचारी मजिस्ट्रेट, रिश्वतखोर थानेदार और निराकार शून्य। मुझे नहीं लगता कि अंधेरे में जब आप कविता पढ़ते हैं तो ये दूसरी कविताओं में आए लगभग वही किरदार, वही प्रतीक, वही बिंब जो पिछली 15 कविताओं से आते चले जा रहे हैं, उसको समझे बगैर या उसके तारतम्य के बगैर मुझे नहीं लगता कि अंधेरे में का एक अंतिम कोई पाठ संभव है।